सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि किस टू फ्लोट फंक्शन क्या होता है कॉटलिन के अंदर। तो गाइस, टू फ्लोट फंक्शन जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्लोट के अंदर। ओके तो गाइस, लेट्स सी एन एग्जांपल देयर। ओके तो गाइस देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें 12 पास है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टू फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये डेटा लिखा ना, ये आप करो डॉट लगाओ और टू लिख दो यहाँ पर, एंड देन फ्लोट कर दो। बस सिंपल काम था, अब फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 12.0। एंड गाइस ये 12.0 आ चुका है यहाँ पर गाइस। और ओके दैट्स इट।